लोकसभा चुनाव 2019 की गहमागहमी चरम पर है। मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चुनावी मौसम में एक्टरों का राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी तेज हो गया है। दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मौसमी चटर्जी और जया प्रदा जैसे कलाकार पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों का हाथ थाम चुके हैं। अब तक कौन कौन कलाकार सियासी दलों में शामिल हो चुके हैं, देखिए ये रिपोर्ट। उर्मिला मातोंडकर। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर 27 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो गई। इस दौरान कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, संजय निरूपम और पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा भी मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उर्मिला ने कहा कि वो राजनीति में पूरी गंभीरता के साथ उतर रही हैं। जया प्रदा। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व समाजवादी पार्टी की नेता जया प्रदा 26 मार्च को भाजपा में शामिल हो गई। जया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1994 में तेलुगु देशम पार्टी से की थी। बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी और 2012 में सपा से निष्कासित होने के बाद अमर सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक मंच बनाई थी। जया को भाजपा ने रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ। भोजपुरी सिंगर और मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। निरहुआ को भोजपुरी सिनेमा का जुबली स्टार कहा जाता है। भाजपा निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दे सकती है। रवि किशन। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन 19 फरवरी 2019 को भाजपा में शामिल हुए थे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मनोज तिवारी भी मौजूद थे। रवि किशन चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे इसकी घोषणा अभी होना बाकी है। हालांकि चर्चा यूपी के गोरखपुर सीट की है। नुसरत जहां। चुनावी मौसम में बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां भी इस बार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। टीएमसी ने उन्हें उत्तरी 24 परगना जिले की बसीरहाट सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के दर्शकों पर उनका जादू खूब चलता है, लेकिन देखना है सियासत के मैदान में वह कितना रंग जमा पाती हैं। मिमी चक्रवर्ती। नुसरत जहां की तर्ज पर बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती भी टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। मिमी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली हैं। उन्हें टीएमसी ने दक्षिण कोलकाता के जाधवपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। मौसमी चटर्जी। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी 2 जनवरी 2019 को भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई। मौसमी ने पहली बार 2004 में कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। ये थे कुछ सिने स्टार जो चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम संसद की दहलीज तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन स्टार्स में से कितने माननीय बन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आई इंडिया।